विदेशी कैश पर मौलाना की ऐश। तो मरकज को हवाला के जरिए हो रही थी फंडिंग। क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह बड़ा खुलासा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के अकाउंट में बड़ी रकम आई। मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक बैंक ने पूछताछ की थी। ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। आपको बता दें 2005 के बाद हवाला के जरिए मरकज के खाते में बड़ी रकम आई। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज को नोटिस जारी कर अब जानकारी मांगी है। निजामुद्दीन मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाले के जरिए हो रही थी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी कि किस तरह से सऊदी अरब और बाकी देशों से ये पैसा पहुंच रहा है मौलाना साद के अकाउंट में। और ये देखिए, मरकज को अब नोटिस जारी कर अब जानकारी मांगी गई है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से। और जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र इस खबर पर हमारे साथ, प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या डिटेल्स हैं, ये कहां कहां से पैसा पहुंचा था हवाला के जरिए, और अब दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को शुरुआती जांच में ये पता चला है कि 2005 के बाद मरकज में जो पैसा आता था वो सऊदी अरब और बाकी देशों से कैश आता था, हवाला के जरिए यहाँ पर पैसा आता था। और जो क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है कि पहले मरकज में जब धर्म के प्रचार के लिए एक जो नियम था वो था अपना का अपना अपना अपनी जान अपना काम, यानी जिसके जितनी श्रद्धा है उसके हिसाब से वो धर्म का प्रचार करे, उसको मरकज की तरफ से पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मौलाना साद के अमीर बनने के बाद 2005 से उन्होंने जो सऊदी अरब या दूसरे जो देश है वहाँ के जो संपन्न मुस्लिम धर्मगुरु या बाकी लोग होते थे उनसे यहाँ पर आने वाले जो जमाती थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए उनसे पैसा लिया जाता था, और वो पैसा कैश ही जो है मरकज को के पास आता था। इस बात की सबूत जो है वो क्राइम ब्रांच को मिले थे, क्योंकि जितना भी पैसा आता था वो हवाला के जरिए यहाँ पर आता था, और पूरे साल भर के रहने खाने की व्यवस्था जो भी करता था वो सारा पैसा कैश दिया जाता था। इसी बात की जानकारी के लिए जो बैंक अकाउंट है और बैंक स्टेटमेंट है वो भी क्राइम ब्रांच ने मरकज से मांगी है, और साथ में ईडी ने भी पीएमएलए का केस दर्ज किया है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक में ट्रांजेक्शन हुई है जब इनका 11-12-13 को प्रोग्राम था मरकज में सालाना, उससे ठीक पहले मौलाना मोहम्मद साद के अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा आया था और जो ट्रांजेक्शन का फ्लो था वो काफी ज्यादा था। अब तो मौलाना साद का क्वारंटाइन का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस मौलाना साद तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो मौलाना साद के किसी दूसरे मिडलमैन के जरिए संपर्क में है, और 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद 4 तारीख या उसके आसपास जो है मौलाना साद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकता है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के 3 बेटे और बाकी जो रिश्तेदार है कुल 17 लोगों से पूछताछ पहले राउंड की कर ली है, और अभी तक मौलाना साद को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस नहीं दिया है। उसको जैसे ही नोटिस मिलेगा मौलाना साद की तरफ से साफ बोला गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन। तो कुल मिलाकर मौलाना साद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद और कई दूसरे लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबर।